प्रिय दोस्तों, अब हम जानें कि यदि हम शुगर को कंट्रोल नहीं रखेंगे तो हमारे शरीर के ऊपर क्या-क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हमारे शरीर में कुछ चमड़ी के ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि फोड़े फुंसी बार बार निकलना, और यदि फोड़े फुंसी एक जगह पर झुंड के आकार में एक बहुत बड़े फोड़े के रूप में निकल आए उसको हम कार्बंकल कहते हैं। ये ऐसा भी अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से होता है। इसके अलावा फंगस के दाग भी शुगर के मरीज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पुरुषों में गुप्तांग लाल हो जाता है, उस पर हल्की सफेदी आ जाती है, उसको खोलने में दिक्कत होती है, पेनफुल होता है। ऐसे ही लक्षण महिलाओं में भी दिखाई देते हैं। मरीज में नसों पर, नर्व पे बुरा प्रभाव आता है जिसकी वजह से नर्व खराब हो जाती हैं और हमारे घुटने से नीचे नीचे पैर सुन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से तलवों में भी जख्म बन जाते हैं। इन सभी चर्म रोगों के लक्षणों के अलावा कुछ और अंग हैं हमारे शरीर के जिनके ऊपर भी धीरे धीरे ये शुगर बुरा प्रभाव डालती है, जैसे कि हमारे गुर्दे खराब हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में डायलिसिस करवानी पड़ सकती है, पूरा गुर्दा भी बदलवाना पड़ सकता है। हार्ट पे और लीवर पे भी बुरा प्रभाव डालती है, और हमारा जो सेक्सुअल इरेक्शन होती है उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव डालती है। पेशेंट को अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होने की भी ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपनी शुगर को अच्छी प्रकार से हमेशा कंट्रोल में रखें, नहीं तो ये हमारे शरीर के अंगों को परमानेंट खराब कर सकती है। उन अंगों को शुगर कंट्रोल करने के बावजूद भी पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता। डैमेज होने से केवल बचाव ही संभव है, बाद में इलाज संभव नहीं है। इसके अलावा इलाज के दौरान में शुगर के मरीज को हाइपोग्लाइसेमिया होने की भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जिसके हमें सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। जब हमारा ब्लड शुगर लेवल 70 से नीचे आ जाता है तो उसे हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। ये इसकी जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। ये एक खतरनाक अवस्था होती है जिसका तुरंत इलाज लेने की ज़रूरत होती है। ये हाइपोग्लाइसेमिया कब हो सकता है? यदि हम शुगर की टेबलेट ले लें या हमने इंसुलिन की डोज ले ली है और हमने अपना भोजन मिस कर दिया है तो हमारे ब्लड शुगर लेवल डाउन आ सकते हैं। यदि हमने कोई हैवी एक्सरसाइज कर ली है या हमने काफ़ी मात्रा में अल्कोहल का सेवन कर लिया है उसकी वजह भी एक हाइपोग्लाइसेमिया की हो सकती है। हाइपोग्लाइसेमिया होने के लक्षण क्या क्या हैं? हमें कब अंदाजा लग सकता है कि अब हमें हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है? हमें भूख ज़्यादा लगेगी और हमें पसीना भी ज़्यादा आएगा, हमारी कुछ हृदय की धड़कन भी तेज़ हो जाती है और हम इरिटेबल भी हो जाते हैं। तो ऐसा जब भी हमारे को ऐसा शक हो तो हमें अपनी ब्लड शुगर तुरंत जांच करनी चाहिए, और यदि हमारा लेवल 70 से नीचे है तो हमें ग्लूकोज को पानी में घोल के तुरंत पी लेना चाहिए और हमें डॉक्टर की तुरंत सलाह ले लेनी चाहिए। अपनी शुगर के खुद जिम्मेवार बने, अपनी शुगर को बार बार बीच बीच में चेक करते रहिए और कंट्रोल में रखिए। अपनी शुगर हमेशा कंट्रोल में रखें और लंबी आयु पाएं। इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को अधिक से अधिक शेयर